तेजस्वी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI गुरु। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि एक लैंप को तीन स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करना बहुत आसान है जो कि सभी को आता है, तथा एक लैंप को दो स्विच से कंट्रोल करना जैसे सीढ़ी की वायरिंग या स्टेयरकेस वायरिंग करते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड की हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप एक लैंप को तीन स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमने देखिए दोस्तों इसके लिए आपको एक लैंप, दो टू वे स्विच तथा एक इंटरमीडिएट स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। हमने कनेक्शन किया हुआ है, चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। अगर आप इस लैंप को अलग अलग स्थान से ऑपरेट करना चाहें तो इस लैंप को आप अलग अलग स्थान से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाली टू वे स्विच अगर आप ऑन करें तो सेकेंड वाली इंटरमीडिएट स्विच से आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तथा इससे अगर आपने ऑन करा तो आप थर्ड वाली टू वे स्विच से ऑफ भी कर सकते हैं। इस वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच का यह महत्व रहता है कि वह धारा की दिशा का मान परिवर्तन कर देता है, यानी कि दिशा धारा को सीधा बॉन्ड नहीं देता, धारा का मान परिवर्तन कर देता है। चलिए दोस्तों अब इस वायरिंग को हम सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट वाला फेस का सिरा है जो कि फर्स्ट वाली टू वे स्विच के सेकेंड वाले टर्मिनल पे आया है, तथा इसी थर्ड वाले टर्मिनल से फर्स्ट वाले टू वे स्विच के थर्ड वाले टर्मिनल से यह फेस का सिरा इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे गया है, तथा फर्स्ट वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल से यह फेस का सिरा इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे गया है। अब इसे हम डायग्राम में देखते हैं कि ये देखिए हम ये हमारी फर्स्ट टू वे स्विच है, इसमें ये बीच का सिरा बीच का टर्मिनल है जिसमें फर्स्ट फेज आया है, मेन सप्लाई से फेज आया है, तथा इसी के थर्ड वाले टर्मिनल से यह सिरा उठकर इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे गया है, तथा यहीं से यह सिरा फर्स्ट वाले टर्मिनल से फर्स्ट वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल से यह बीच वाले इंटरमीडिएट स्विच के बीच वाले टर्मिनल पे गया है। अब देखिए जो इंटरमीडिएट स्विच है उसमें फर्स्ट वाले टर्मिनल से यह थर्ड वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल पे यह फेस का सिरा गया है जो कि ये है, तथा इस इंटरमीडिएट स्विच के थर्ड वाले टर्मिनल से फेस का सिरा थर्ड वाले टर्मिनल के थर्ड वाले टू वे स्विच के थर्ड वाले टर्मिनल पे गया है। जो थर्ड वाली टू वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से यह फेस का सिरा लैंप के फेज वाले टर्मिनल पे गया है, तथा जो न्यूट्रल का सिरा है वो हमने मेन सप्लाई से दिया है उसके लैंप के न्यूट्रल सिरे पर। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच उपलब्ध न होने की वजह से हमने दो टू वे स्विचों से एक इंटरमीडिएट स्विच का निर्माण किया है, देखते हैं वो कैसे होता है। इसके लिए आपको दो टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी, देखते हैं। ये हमारे पास दो टू वे स्विच था जिसके लिए हमने फर्स्ट वाले टू वे स्विच का फर्स्ट वाले टर्मिनल से सेकेंड वाले टू वे स्विच के थर्ड वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया है, तथा सेकेंड वाले टू वे स्विच के फर्स्ट वाले टर्मिनल से हमने फर्स्ट वाले टर्मिनल के थर्ड वाले टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि एक इंटरमीडिएट स्विच का निर्माण होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।